मैं जानता हूं तुम्हें बॉक्सिंग से नफरत और मुझे तुमसे भी ज्यादा है, सच है। लेकिन एक और कड़वा सच है, और पता है वो क्या है? उनके जैसा सच्चा और ईमानदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें लगता होगा कि उसके इरादे तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन अगर उसे लड़की ही चाहिए होती तो उसने जितना तुम दोनों पर अब तक खर्च किया है उसमें उसे एक से बढ़कर एक लड़कियां मिल जाती, पता है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, एसोसिएशन क्या एक भी रुपया अपनी जेब से खाने और इक्विपमेंट के लिए नहीं दे रही है? उसके अकाउंट में जितने भी रुपए थे उसने सब लगा दिए हैं। हमें तुम में बस एक भाजी वाली दिखती थी, लेकिन उसे देखो, उसने तुम्हारे अंदर एक टैलेंट पहचाना और उस टैलेंट पे विश्वास भी किया। ये मौका हाथ से मत जाने दो। में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा अच्छा, जैसे कि दुनिया की सारी लड़कियां तुझे छूना चाहती हैं। सर, एक सवाल पूछना है आपसे, आपकी प्रेरणा कौन है, मोहम्मद अली या टाइसन? जंगीज खान। ओ, पाकिस्तानी बॉक्सर, हेवी वेट। ओ भाई सुन, हर खान पाकिस्तानी नहीं होता, वो मंगोलिया का राजा था। जंगीज खान मंगोलियन था। बिल्कुल बौना था वो, लेकिन उसका जज्बा शेर का था। पूरे एशिया को उसने चुटकियों में जीत लिया, लेकिन यूरोप को जीतने में तकलीफ हुई। उनके सारे सैनिक जंगीज खान से दुगने लंबे थे, हथियारों से लैस। उनसे लड़ना लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन जंगीज खान एक बात जानता था कि जंग को जीतने के लिए या तो शत्रु के हथियार तबाह करो या फिर अपने हथियार मजबूत करो। बंदे ने दोनों काम कर लिए। उसने एक ऐसी तरकीब निकाली जिससे शत्रु के हथियार नष्ट किए जा सके। वो डर का नाटक करते हुए उनसे लड़ रहा था। वो डर के घोड़े पर भागा और अचानक मुड़ा और अच्छे से एंगल जमाया और बाणों की वर्षा कर दी। दुश्मन चारों खाने चित हो गए। क्या स्ट्रैटेजी थी, अगर हम दुश्मनों का हथियार नष्ट कर देंगे तो वो कर ही क्या पाए। सुपर। लेकिन उसका बॉक्सिंग के साथ क्या लेना सर? जिस दिन ये समझ जाएगा सिलेक्ट हो जाएगा। मैं वापस हिसार जा, वर्ल्ड कप के लिए एक प्लेयर अपने साथ ले जा सकता हूँ। ऑल द बेस्ट। ओके लक्ष्मी, पूरे जोश के साथ। थैंक यू मास्टर। ओके, ऑल द बेस्ट। देखो रश्मि, नाम खराब मत करना, खूब अच्छे से लड़ना। रेड में है लक्ष्मी और ब्लू में है अंजू। फर्स्ट राउंड बॉक्स। कॉर्नर। और इसके साथ ब्लू को पॉइंट्स दिए गए हैं। विजेता है ब्लू। Hey, very good. चिंता मत कर लक्ष्मी, रो मत। सेकेंड आउट, थर्ड राउंड बॉक्स। राइट से मार करो। ए
तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये फिश करी है, मैंने आपके लिए बनाई। थैंक यू। मैं कैसी लग रही हूँ? अपने ट्रैक्स पहनो और रिंग में 5 मिनट में पहुंच जाओ। क्यों, मैं सुंदर नहीं लग रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तुम पसीने से लथपथ होके रिंग में लड़ती हो ना, तभी तुम मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती हो। चलो अब, कम ऑन। बकवास मत करो, मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो। आई लव यू गुरु। क्या कहा? आई लव यू। तुम्हें क्या लगता है, एक स्टूडेंट से मैं ये सब पहली बार सुन रहा हूँ क्या? ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता रहता है। अब चलो। तुम ही तो हमेशा कहते हो कि मैं बाकी सबसे अलग हूँ। हे गुरु। रश्मि, अपने जज्बात काबू में रखो, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बाप की उम्र के बहुत लोगों को जानती हूँ। क्या मैं सबको प्रपोज करती फिरती हूँ? अब क्या कर सकती हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया। एक तो मैं लड़की होके तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। जब मुझे किसी बात का डर नहीं तो तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तुम्हारी लाइफ में वैसे भी कोई नहीं है, तो मुझे अपना लो, मेरी बात मान जाओ, वरना कल का मैच हार जाऊंगी। हाँ बेवकूफ, नेशनल सिलेक्शन को मजाक समझा, बॉक्सिंग पे ध्यान दे, कपड़े बदलो और प्रैक्टिस शुरू कर। गुरु, ये मजाक नहीं है, सच में हार जाऊंगी। हाँ हे, ये तुम बिना बात के तब से मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या बात है? क्यों? लगी तो नहीं? संभाल यार, देख कर नहीं कह सकती थी। ठीक है तू? ध्यान से। चलिए, कम ऑन। ब्लू में है रश्मि और रेड में है दीक्षा। फर्स्ट राउंड बॉक्स। हे रश्मि, अपना गार्ड नीचे मत करो। हे रश्मि, बहुत बढ़िया। You idiot! गार्ड नीचे मत करो। क्या कर रही है तू? ये जानबूझकर ऐसा कर रही है, इसे मौका नहीं देना चाहिए था सर। कसम खा के कहती हूँ गुरु, मैंने जानबूझ के मैच नहीं है। जिस कबाड़ से उठकर आई थी वहीं जाकर सड़ो। जाओ यहां से, दफा हो जाओ। Go to hell. से कम ऊपर वाले की दया से लक्स जीत तो गई। वो अब भूत हो गई है, और भूत को किसी से प्यार होता है क्या? हाँ, भावना सिर्फ तुम में है। प्यार तो उसे अपने फैंस से है, तुमने उसे धोखा दिया, तुमसे क्या खाक प्यार करेगी?
याद है ना उस कोच ने मुझे 3,000 रुपए महीना देने का वादा किया था। ये सब कुछ मैंने तुम लोगों से प्यार की वजह से मंजूर किया, वरना मुझे कोई पीने का शौक नहीं है। इस लड़की ने सब कबाड़ा कर दिया। अरे चुप, बकवास बंद करो अपना। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ना मैं तुमसे शादी करता और ना ये सब होता। बेकार आदमी, कुछ भी बोल। तो सच्चाई तुम ही बता दो ना, क्या ये बेटी मेरी है? रश्मि, नाक पे गुस्सा है इस लड़की के। इसकी वजह से मेरी पूरी इज्जत खराब हो गई। सब लोग थू-थू कर रहे हैं मुझ पे। अरे जाने दो इसे, भूख लगेगी तो दौड़ती हुई घर आएगी। ऐसा नहीं करती बेटी, मेरी बात सुन, मेरे लिए रुक जा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जा रही हूं। रश्मि, जाने दो, मैं जानता हूँ ड्रामा है। रश्मि, रुक जा बेटी। खाना नहीं खाया क्या? Come on! बहुत लकी हो तुम। Good, don't worry. मैंने तुमसे कहा मुझे दिलासा देने के लिए। Come on!